दिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में बिजली निजीकरण को लेकर जो है लगातार विरोध जारी है। पिछले दिनों इसको लेकर जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। उसके बाद आज वो 21 जनवरी को जो है आज यहाँ पर मी मुंब्रेकर नाम से जो संस्था है वो संस्था जो है बेमुद्दत हड़ताल पर बैठी है। इनकी मांग है कि जो टोरेंट कंपनी है उसकी निजीकरण जो है रद्द की जाए, यानी कि निजीकरण किसी भी हाल में जो है यहाँ शहरवासियों को बर्दाश्त नहीं है। वो जो निजीकरण है उसे रद्द करने की मांग को लेकर जो है आज मुंब्रा रेलवे स्टेशन एम गेट के पास जो है मी मुंब्रेकर के जो संस्था है उसके जो सदस्य हैं वो लोग जो है यहाँ पर बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जो यहाँ पर मी मुंब्रेकर के जो अध्यक्ष हैं रफीक मुकदम, हम उनसे बात करते हैं। सर अब बताइए, आप लोग जो यहाँ बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो क्या जब तक बिजली निजीकरण का रद्द होने का फैसला नहीं आ जाता तब तक आप लोग बैठे रहेंगे? जी हाँ, हमारा वही फैसला है, जब तक रद्द नहीं किया जाता तब तक बैठेंगे हम। बेमुद्दत वही है कि उसकी कोई मुद्दत नहीं है। जब तक सरकार मान्य नहीं करती है हमारी मांगे और जब तक ये खासगीकरण प्राइवेटाइजेशन कैंसिल नहीं करती तब तक के हम बेमुद्दत भूख हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर स्टे लग गया है तो वो भी सही है, तो इसको आप कितना सही मानते हैं? नहीं, स्टे लगा है जो आप बोल रहे हो ना, आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो कल का, उसमें अनिल कांबले MSEDCL के चीफ PRO डिक्लेयर किया है उन्होंने कि सरकार ने उनको कोई स्टे का लिखित दिया ही नहीं है। उन्होंने तो वर्क ऑर्डर पास किया है टोरेंट को, यानी कि हवा हवाई बातें हो रही है। हवा नहीं, झूठ बातें हो रही है। सरकार बेवकूफ़ बना रही है लोगों को और इस बेवकूफ़ी में वो अपना काम किए जा रही है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो स्टे की बात सामने आ रही वो झूठ बात है, यानी लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। और भी मी मुंब्रेकर के जो यहाँ संस्था के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो भूख हड़ताल उनका है वो जो है कब तक चलेगा। आप समाजवादी पार्टी से हैं लेकिन मी मुंब्रेकर के नाम से जो संस्था है उसके सदस्य के तौर पर यहाँ भूख हड़ताल में जो है शामिल हैं, तो आपके जो आजमी साहब हैं उन्होंने क्या बिजली प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो है आवाज़ उठाई थी? देखिए, यही बाजू में हमारे मी मुंब्रेकर के अध्यक्ष रफी मुकदम साहब है, इनके साथ मिलकर हमने जो ऊर्जा मंत्री बनकुले साहब से जाके डेलीगेशन मिला था। मैं वो सब चीज़ें छोड़कर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस वक्त स्टेज के ऊपर आप देखिए कौन कौन लोग हैं। मेरे साथ इस वक्त महीन कुमार लेकर हैं, मेरे साथ अभी रफीक मुकदम साहब हैं, नईम खान साहब है, देखिए ये माजी महापौर हैं और ये इतनी बड़ी शख्सियत, ये सब क्यों यहाँ पर है? क्योंकि इनका ताल्लुक मुंब्रा से, जिनका ताल्लुक मुंब्रा से उनको मुंब्रा वालों का दर्द है। बाहर से आए हुए थाना वालों को या डुम्बली वालों को मुंब्रा का दर्द नहीं होगा। ये जो यहाँ के जो भूमि पुत्र हैं वो लोग अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सब उस लड़ाई के अंदर आखिर तक अंजाम पहुँचाने तक साथ रहेंगे इंशाल्लाह। तो इनका कहना है कि ये एक लड़ाई है, जब तक ये इसे अंजाम तक नहीं पहुंचा दिया जाता है तब तक इन लोगों का जो है आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। यहाँ पर मौजूद है नईम खान, हम उनसे जानेंगे कि जो आंदोलन हुआ था सबसे बड़ा आंदोलन जो हुआ है उस आंदोलन में जो है शमीम खान साहब ने आपको इनवाइट किया था, तो आप क्यों नहीं आए? मैं इसके लिए नहीं आया क्योंकि ये इन्होंने 10 साल से आंदोलन ही कर रहे हैं। लेकिन शमीम खान जो है उनका कहना है यहाँ से वो नंगे पैर जो है कलेक्टर ऑफिस तक गए बिना चप्पलों के गए, वो बोल रहे हैं। लेकिन वहाँ हमको जानकारी मिली कि जो उनका चप्पल वो पहन के चप्पल वहाँ गए थे, लेकिन उनका कहना है कि हम चप्पल पहन कर गए ही नहीं। देखिए, मुंब्रा वाले जो है चप्पल की बलिदान नहीं मांग रहे, शमीम खान की खुद की बलिदान जिस दिन उनका बलिदान आ गया उस दिन मुंब्रा भी सुधर जाएगा। ये आपके साथ आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग भी यहाँ पर राजनीति के सब कुछ के अलग है, कभी बलिदान की बातें नहीं करी, कभी घासलेट पेट्रोल की बात नहीं करी, मेहनत करके लोगों की हमेशा समस्याएं छुड़ाई। ये क्या घड़ी घड़ी मैं बलिदान दे दूंगा? उन्होंने बोला है, ये पूरा मुंब्रा इसका गवाह है। मैंने नहीं बोलता कि आप जान दे दो, मैं क्यों बोलूंगा जान दे दो। उन्होंने क्या बोला, अगर ट्रांटो आएगी तो मैं 5 लीटर डाल के अपने आप को अंगा लगा दूं। सबने एक एक लीटर जमा भी करके और सबने जमा किया, हमने तो मैंने तो मिक्स किया है, डीजल पेट्रोल किया है, तो कभी डीजल ठंडा हो जाए तो पेट्रोल गर्म कर। यानी उनकी भी जो है डीजल पेट्रोल का भी बंदोबस्त आप लोग? बिल्कुल करें भाई, आप बोल रहे हैं, हम अगर नेता है, देखिए लोगों को हमारे पे भरोसा है, और अगर नईम खान ये बोलेगा मैं यहाँ से कूदूंगा तो फिर कूदना ही है उसको।
तो शमीम खान ने कहा तो आपने जो है घर पे जमा कर लिया, लेकिन शमीम खान ने जो आपको रैली में जो है न्योता दिया था आने के लिए, तो आप क्यों नहीं आए? ये बहुत अच्छा सवाल, आपने हाथपेट तो जमा कर लिया लेकिन रैली में नहीं है। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि मैं रैली में क्यों नहीं आया। मैं आपको बताऊं, एक आमदार जितेंद्र अवट, दूसरा आमदार सुभाष गोयल, तीसरा खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, मैं क्या बोलता हूँ, इन्होंने क्यों नहीं नेतृत्व किया? पहले बात नेतृत्व की बात हो रही है, नेतृत्व किसने किया? दशरथ पटेल, जैसे अभी यहाँ मुकदम सबको उठा है वैसे वहां दशरथ पटेल। मेरा बोलने का मतलब है कि उन्होंने क्यों नहीं, ये तीन नेताओं में से, लेकिन नेतृत्व ना करने का मतलब भी था ना सर, क्योंकि वो तैयार नहीं थे। नहीं तो आवे उनका मतलब या भी मेरा आरोप है उनके तीनों के ऊपर, क्या उन्होंने ये बोला था कि ट्रांटो आवे या वे नहीं? क्योंकि अगर उनको वाकई में ट्रांटो को भेजना था तो तीनों में से एक को ये सदारत पकड़ना था, क्यों नहीं पकड़ा? आज बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े यानी उन्होंने मुमरा वालों को, उन्होंने बिल्कुल कलवा वालों के घुटने पर टेक के और वहां पर पूछा थी, क्यों शर्म आ रही थी उनको, क्या डर लग रहा था उनको? खाली वोट लेने आने का है और नोट देने का है, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ऐसा नहीं है भाई साहब। मुमरा बहुत सुधर गया और आने वाले दिनों में बता देगा, अगर ट्रेंड आ गई बता देगा क्या क्या हल होता है नेताओं। सर भाई आप भूख पे मुद्दक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो क्या आपको जनता का यहाँ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या है? देखिए जनता का तो आप खुद देख सकते हैं, हम लोगों ने सिग्नेचर अभियान का सिर्फ वहाँ पर टेबल लगाया है, लगभग हम लोगों को सुबह से अभी तक 10,000 से 12,000 सिग्नेचर मिल चुके हैं, जबकि हम लोगों ने ऐलान भी नहीं किया कि सिग्नेचर अभियान में वहाँ पर आइए और करिए। और भूख हड़ताल पे आप देखिए कि जिस तरीके से शहर से हर एक तबके ने, एनजीओज हो, यहाँ के महिला मंडल्स हो या यहाँ के बड़े बड़े नेता हो, सब लोगों ने आकर के हम लोगों को समर्थन दिया। अभी मेमन जमात आके गई और जमात उलमा हिंद आकर के गई, आयुष ने आकर के हम लोगों को समर्थन, इस तरीके से बड़े बड़े एनजीओज ने हमको समर्थन दिया है, आवाम ने यहाँ पर समर्थन दिया। बात भिमंडी की आ रही कि जो भिमंडी के लोग भी शायद इस भूख हड़ताल में शामिल हैं। देखिए अभी रवि भाई हमारे भिवंडी से हैं, इनसे पूछिए आप वहाँ का दर्द ये बयां करेंगे आपको कि किस तरीके से वहाँ लोग परेशान हैं। इन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर ये अभी जो है टोरेंट है जो नासूर हो चुका है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर अभी तक आए नहीं, तो आप लोग उसको रोकिए। उसके बाद हम लोगों ने कहीं डिसाइड किया कि भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इसको रोकेंगे। आप जो है हड़ताल अपना जारी रखेंगे, वही अंतिम फैसला जब तक ये निजीकरण कैंसिलेशन का लेटर हम लोगों को नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठेंगे, हम लोग यानी कोई भी आश्वासन से नहीं रुकेंगे, हमको लिखित में चाहिए कि ये निजीकरण कैंसिल। मैडम आप लोगों को समर्थन करने के लिए तो आपका क्या राय? मैं एक मुमरेकर हूँ और यहाँ की समाज सेवक हूँ, तो यहाँ पर हमें प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए, बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन का जो षड्यंत्र चालू है सरकार का, हाँ तो हमें मुमरा में हम लोग भिवंडी और सब जगह का नतीजा देख रहे हैं और आमाक समाप बिल आने वाले हैं, सब लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है प्राइवेटाइजेशन से। हम सरकार से तो कभी भी लड़ सकते, प्राइवेटाइजेशन से लड़ सकते, इसलिए हमें प्राइवेटाइजेशन के हम लोग खिलाफ है। जब तक कि हमें प्राइवेटाइजेशन का कैंसलेशन लेटर नहीं मिलता है, स्थगित ही नहीं चाहिए, कैंसलेशन चाहिए। देखिए अभी मसला ऐसा है कि कलवा मुमरा युवा जो प्राइवेटाइजेशन पे जा रहा है, MCDCL का और टोरंटो का जो स्टार्ट कार्ड बना हुआ है उसके विरोध में हमारे मुंबई के लोग आज यहाँ पर भूख हड़ताल पर उतरे हैं। उनके सपोर्ट में हम क्या, पूरा मुंबई उनके सपोर्ट में, और जब तक वो लोग है साथ में उनके साथ हम लोग साथ देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है कि जो आप लोग जो है सुबह से कैंप लगा कर बैठे हुए, लेकिन जो है कुछ नेताओं का जो है आप लोगों को समर्थन नहीं आ रहा। नेताओं का समर्थन नहीं है, नेताओं को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? इससे प्राइवेटाइजेशन से नेताओं को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? फर्क किसको पड़ेगा? आम जनता को, आम जनता और नेता में फर्क रहेगा। आपका रिस्पांस क्या है आपके साथ? बहुत अच्छा, आम जनता के साथ रिस्पांस आपका क्या है? आम जनता पूरी, आज देखो कितनी पब्लिक यहाँ पे मुमरा में उतरी है रोड पे। कल भी आपने जब रैली निकली थी, मार्च निकला था, मुमरा के ज्यादातर मुमरा के लोग थे, उनको प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए, सख्ती से उनका विरोध है प्राइवेटाइजेशन के लिए, टोरंटो को खास करके विरोध करने के लिए यहाँ पर आज पूरा मुमरा इकट्ठा हुआ है। और कितने लोग चाहिए यहाँ पे नेता? किसी नेता को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी नेता को घर में वो
अगर कोई 5 रुपए भी बढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 रुपए की बढ़ोतरी अगर यूनिट के पीछे होगी तो आम जनता को जो असर होगा ए बेटा तो उसका विरोध में हम लोग यहाँ पर आए। जो भिमंडी की बात बताई जा रही है कि भिमंडी में किस तरह से लोग जो है टोरेंट को लेकर परेशान है, यहाँ पर जो ये भूख हड़ताल जो हो रही है, यहाँ पर एक भिमंडी से आए हुए जो है जो इनको भी काफी तकलीफ है बिजली निजीकरण से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रवीश, मैं भिमंडी से आए हुए हैं यहाँ पर भूख हड़ताल में शामिल होने के लिए। क्या तकलीफ आ रही है टोरेंट की वजह से? टोरेंट पावर कंपनी ने जो अभी प्रेजेंट में भिमंडी के अंदर यूनिट के ऊपर जो रेट बढ़ाया है, मैं उसकी पुरजोर मुखालिफत करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जमहूरियत को अगर आपको जिंदा रखना है तो आप मुखालिफत कीजिए, तो मैं मुमरा के बैठे हुए ये तमाम भूख हड़ताल पे मैं तमाम नौजवानों से, बुजुर्गों से और मुमरा की आवाम से ये अपील करता हूँ कि अगर आपको जमहूरियत को जिंदा करना है तो आप मजम्मत कीजिए और टोरेंट पावर कंपनी के खिलाफ खड़े रहे। टोरेंट पावर कंपनी इतना ज्यादा जुल्म किया है जिसकी वजह से भिवंडी की सरजमीन पर 70-60% कारोबार हमारा तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये स्थिति भिवंडी की सरजमीन पर है कि लोगों को फीस देने के लिए पैसे नहीं गए और टोरेंट पावर कंपनी की वजह से 120 मनमानी की बात आ रही है टोरेंट कंपनी को, तो टोरेंट कंपनी किस तरह की मनमानी 138 का वो केस 138 का टोरेंट पावर कंपनी केस बनाती है, केस बनाकर लोगों को, गरीब लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजती है और सब्सिडी का पैसा आता है, गवर्नमेंट देती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है, सब्सिडी का पैसा नहीं देती है। इवन मैं ये कहूँ कि टोरेंट पावर कंपनी की वजह से मुमरा में भी जो है ना अमन खराब हो रखा है और भिवंडी का अमन आपने देखा होगा कि खराब हो चुका है। जैसा कि आपने सुना कि जो भिवंडी के लोग भी टोरेंट से काफी परेशान है, उसी तरह के जो है अब टोरेंट कंपनी मुमरा दीवा और सी इलाकों में आ रही है जिसको लेकर लोग लगातार अपना विरोध कर रहे हैं, इसका इसके खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हो चुका है और फिर मी मुमरा करके जो लोग हैं वो यहाँ पर बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इनके हड़ताल, इनके आंदोलन से जो है सरकार की नींद खुलती है और बिजली रद्दीकरण का फैसला लिया जाता है या नहीं। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम।